नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, ESIC UDC का जो स्किल टेस्ट होने वाला है 20 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी टाइम टेबल है, कितने शिफ्ट्स होंगे, कितनी शिफ्ट्स नहीं होंगी, आपने कौन सा मीडियम सिलेक्ट किया था, आपका कौन सा स्किल टेस्ट सेंटर होगा, आप कौन सी शिफ्ट में एग्जाम देंगे, मतलब देना है आपको, वो सब यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस के जरिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो विद इन 3 to 4 मिनट्स हम ये सब देख लेंगे कि उन्होंने ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा है। सो दोस्तों, ये जो ऑफिशियल नोटिस अभी अभी जारी हुआ है, कल 4 अक्टूबर को ये आया था, तो यहाँ पे दिया है कि कंडक्ट ऑफ द कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर टेस्ट एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। तो फेज 3 एग्जामिनेशन कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो 20 अक्टूबर को होने वाला है, मतलब इसकी डेट अब चेंज नहीं होगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये 20 अक्टूबर की होगा, चाहे उस दिन नाबार्ड का एग्जाम हो, चाहे उस दिन RRB असिस्टेंट का मेंस एग्जाम हो। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द वेन्यू डिटेल्स एंड मीडियम स्किल टेस्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अपलोडेड सेपरेटली विद दिस नोटिस। तो इसके साथ साथ आपको एक सेपरेट स्टेट वाइज लिस्ट उन्होंने अपलोड की है, जिसमें आपका मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट और आपने कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है, वो वेन्यू और आप कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दोगे, ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। तो वो जो लिस्ट है, मतलब स्टेट वाइज, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी हम विद इन 1 मिनट में देख लेंगे। सो यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है कि यूडीसी के 3 शिफ्ट में होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट 8:30 बजे होगा, सेकंड शिफ्ट 11:30 बजे होगा और थर्ड शिफ्ट 2 बजे स्टार्ट होगा। मतलब ये स्टार्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है कैंडिडेट्स का, नॉट अ स्टार्ट टाइम। और इसके बाद शायद आपका स्किल टेस्ट होने के बाद आधे घंटे के बाद आपका डीवी भी हो जाएगा, विद इन 1 या 2 आवर में डीवी भी हो जाएगा। आफ्टर दैट एज नोटेड एज 1/10/2019, मतलब 1 अक्टूबर को जो नोटिस आया था उसमें, दोज हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनो, जिनका सेम रीजन से या डिफरेंट रीजन से दोनों जगह पे सिलेक्शन हुआ है, शैल बी एडमिटेड एंड एग्जामिन्ड फॉर बोथ द पोस्ट इन द रीजन विच दे हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। उसके बाद ESIC विल कंसिडर द मीडियम ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफर टेस्ट इंग्लिश और हिंदी एज फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आप वहाँ पे जाके आपका मीडियम चेंज नहीं कर सकते, जो बहुत लोगों का डाउट था। उसके बाद द लिंक फॉर द डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड फॉर अपेयरिंग इन द फेज 3 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनो रिस्पेक्टिवली विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट शॉर्टली। तो ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो बाद में आने वाले दोस्तों, आपको सिर्फ उन्होंने एक लिस्ट के जरिए पहले ही बता दिया है कि आपका सेंटर कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड के लिंक में भी लेट आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी बता दिया कि आप पहले से अवेयर हो जाओ, आप पहले से बुकिंग्स कर लो। यदि आपका सेंटर किसी मेट्रो सिटी में है और आप बहुत विलेज एरिया में रहते हो, तो आपका जाने आने का प्रबंध आप अभी से स्टार्ट कर दो। इसलिए उन्होंने अभी से ही आपका स्किल टेस्ट का वेन्यू, शिफ्ट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है और एडमिट कार्ड शायद 10 अक्टूबर के अराउंड आ जाएंगे। उसके बाद एक बहुत यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एग्जाम वेन्यू, मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट एंड एग्जाम डेट विल बी एंटरटेन। मतलब आप कितने भी मेल करो, कितने भी फोन कॉल्स करो, आपका ये एग्जाम सेंटर, आपका मीडियम और आपकी एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी। सो ऑल द कैंडिडेट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू विजिट ESIC वेबसाइट फॉर द फर्दर अपडेट्स। तो दोस्तों एक सैंपल है यहाँ पे, ये सैंपल यहाँ पे दिया है कि ये जो UDC है वेस्ट बंगाल के, जो रंजन चौबे जी, यदि वो हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो हम बहुत खुशनसीब होंगे कि वो हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो मीडियम ऑफ कंप्यूटर क्या है, स्किल टेस्ट क्या है, इंग्लिश चूज़ किया उन्होंने, शिफ्ट उनकी फर्स्ट है और कंसोल मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट LTD NT34 साल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता 7000091। लैंडमार्क क्या है, वेवल मोर नियर श्याम स्टील बिल्डिंग। तो यहाँ पे उनका स्किल टेस्ट सेंटर होने वाला है। तो ये ऐसी लिस्ट उन्होंने स्टेट वाइज लिस्ट दिया है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ जाके अपने स्टेट वाइज लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, अपना नाम फाइंड आउट कर सकते हो, रोल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो और आपने कौन सा मीडियम सिलेक्ट किया था वो भी देख सकते हो, आपकी शिफ्ट कौन सी वो भी देख सकते हो और आपका सेंटर ऑफ एग्जाम कहाँ पे है वो भी आप देख सकते हो। कि मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। सिर्फ 1 वीडियो ऑलरेडी बच गया है जो इसमें है, मतलब एक्सेल पे बाकी है, वो एक्सेल का जो वीडियो है शायद 16 अक्टूबर तक आ जाएगा। मैं ट्राई करूँगा, यदि 2-3 दिन में आ सकता है तो आ जाएगा, ना तो 16 अक्टूबर तो एक पॉसिबली डेफिनेटली वो आ भी जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, नाउ ब्राइट फ्यूचर अहेड, गुड बाय।